करने के लिए सचिन जोशी बेहतरीन ऑलराउंडर है, बैटिंग भी अच्छी करते हैं। फिलहाल नंद किशोर और चौका, बाई चौका, अतिरिक्त रन, विकेट कीपर उसे रोक नहीं पाए और भेंट के तौर पे चार रन और जुड़ जाएंगे। शायद देखना होगा कि अंदरूनी किनारा लगा था कि नहीं, लेकिन नहीं, यहां पे नंद किशोर की कोई गलती नहीं क्योंकि लाइन बहुत बढ़िया थी, गलती थी विकेट कीपर की, जहां पे एक रन भी नहीं होना चाहिए था वहां पे खराब कीपिंग के कारण चार रन मिले। और इसी के साथ उन्होंने अपने 50 रन पूरे किए, बहुत ही शानदार पारी खेली। 74 पर 4 थे एक वक्त, भोजपुरी दबंग्स एक साझेदारी की आवश्यकता थी और कितनी शानदार पारी खेली, देखिए 167 की स्ट्राइक रेट, 30 गेंदों में 50 रन, लाजवाब, बहुत ही उम्दा पारी खेली है। क्या अपने अंदाज में खेला है, खुल के बल्लेबाजी की है, ऑन साइड पे कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए हैं, एक गगनचुंबी छक्का भी लगाया था ऑन साइड पे और प्रेशर हटाया है, एक अच्छा लॉन्चिंग पैड दिया है क्योंकि अब यहां से अभी भी अब इस ओवर के बाद 6 ओवर शेष है। लेकिन यहां पर 2 रन चुरा लिए, बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स, रन बनाने का मौका नहीं गवा रहे हैं, चाहे बल्ले से हो या विकेटों के बीच दौड़ के। दिबंग मनोज तिवारी जब टॉस के वक्त नीचे थे मेरे साथ, ये कह रहे थे कि हालांकि हम टॉस हारे हैं, अगर हम टॉस जीतते भी हम पहले बैटिंग करते, वो कंडीशंस को जानते हैं। शायद एक कारण उसका जो मेरे जहन में खटक रहा है वो ये है कि दबाव चेस करते हुए ज्यादा रहता है, जब आप पहले बैटिंग करते हैं दबाव इतना रहता नहीं, खुल के खेल सकते हैं। और जिस परिस्थिति की आप बात कर रहे थे 74 रन पे 4 विकेट, उससे जिस प्रकार उभर के आए हैं, कई बार चेस करते हुए उभर के आना इतना आसान नहीं रहता। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपके साथ, और कई बार पीछा करने का दबाव कुछ और होता है, लक्ष्य का पीछा करने का दबाव हमने कई बार देखा, कई टीम दबाव में बिखर जाती है। एक वक्त ऐसा भी आया था, हमने पिछले मैच में भी देखा, मुंबई ने एक ही ओवर में 3 विकेटें भी गंवा दी थी, लेकिन अच्छी वापसी की और उसका श्रेय थोड़ा बहुत मैं गेंदबाजों को भी देना चाहूँगा। गेंदबाजी उतनी सटीक नहीं हुई जो इस लाइन और लेंथ का हम जिक्र करते हैं। चौदह ओवर के बाद 123 पर 4। अजय शर्मा 50 में, सिन्हा 10 में, ये साझेदारी 49 रनों की 30 गेंदों में, और इसकी दरकार थी या भोजपुरी दबंग्स को, अच्छी स्थिति में पहुंच चुके हैं, यहां से अभी भी 6 ओवर शेष है, तो बड़ा सवाल यही है कि कितना स्कोर अर्जित करेगी भोजपुरी दबंग की टीम और कितना टारगेट देंगे तेलुगु वॉरियर्स को। 180-190 रन एक अच्छा स्कोर रहेगा अगर आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तरुण क्योंकि दूसरी तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे, 3 ओवर में 26 रन, और अब एक बार फिर नंद किशोर आए हैं। पहला ओवर काफी बढ़िया था, भोजपुरी दबंग्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला क्योंकि ये पहला मुकाबला कर्नाटका बुलडोजर्स के विरुद्ध वो हार गए थे, तो आज उनके लिए जीतना बहुत जरूरी, अगर आज भी हार जाती है भोजपुरी दबंग्स की टीम तो फिर उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। और दूसरी तरफ तेलुगु वॉरियर्स अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है, आदर्श आते हुए गेंदबाजी करने के लिए पार्लेजियंट से पूरी तरह से वार्म अप हो रहे हैं, जो कि हमेशा सही सोच रहती है किसी भी गेंदबाज के लिए, खासकर इन कंडीशंस में जब मौसम में इतनी ठंड हो।
गेंदबाज का नाम है आदर्श बालकृष्णा, लेकिन ये विकेट बिल्कुल आदर्श बल्लेबाजी के लिए। अब देखना है कौन से आदर्श की जीत होती है, बल्लेबाज या गेंदबाज की। क्या बात है, क्या बात है, ये तो अब हमें भी देखना पड़ेगा। ये तो अब हमें भी देखना होगा किसकी जीत होती है। ये ओवर बहुत क्रूशियल रहने वाला है आदर्श के लिए। वक्त बहुत ले रहे हैं, बहुत ज्यादा वक्त ले रहे हैं फील्ड सेटिंग के लिए। पहले गेंदबाज इतना देर वार्म अप करता रहा फील्ड सेटिंग में। T20 का मजा यही है कि अब जल्द से जल्द ओवर डाले, अब तेज गति से खेल आगे बढ़े। अब मिड विकेट का फील्डर अंदर आता हुआ, स्क्वेयर लेग का फील्डर डीप जा रहा है ऑन साइड में। ऑन साइड फील्ड में कुछ बदलाव होते हुए डीप स्क्वेयर लेग फाइन लेग सर्कल के अंदर है। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन और बढ़िया गेंद। पहली गेंद पे तो आदर्श की जो गेंदबाज है उनकी जीत हुई है। फिर आपने मुंह खोला है, देखना होगा अगली गेंद में क्या होता है। आपने जब जब मुंह खोला है तभी गेंदबाजों की जमकर धुलाई की है बल्लेबाजों ने। गर्मा गर्म चाय, उसके साथ मैच का लुफ्त और कैच हवाई मेल सीधा इनबॉक्स में। गेंदबाज आदर्श की जीत हुई यहां पर और एक बहुत ही बड़ा झटका। शर्मा जो 50 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, पूरी तरह से सेट थे, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन अपना विकेट गवा बैठे। या ऑन साइड पर अगर आप देखें अच्छा खेलते हैं, पर इस बार ऑफ साइड पर जाने का प्रयास किया। भारी किनारा, लीडिंग एज, काफी ऊपर गेंद गई पर बहुत ही बढ़िया कैच। कभी भी आसान रहता नहीं लाइट्स के अंडर। और आदर्श को अपने अब दूसरी गेंद पे सफलता मिलती हुई और जानते हैं इस विकेट की कीमत, क्योंकि ये बड़ी विकेट थी। अजॉय जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वापस जाते हुए 50 रन बनाए 32 गेंदों में 123 पे 5। दूसरी गेंद में सफलता मिलती हुई आदर्श को। अब हाँ आए हैं नए बैट्समैन और आते ही अब बढ़िया खिलाड़ियों का प्रयोग और 4 रन मिले। क्या बढ़िया टाइमिंग और प्लेसमेंट, ऐसा लग रहा है कि भारती सेट होके आए हैं। थोड़ी सी लाइन में तब्दीली करने का प्रयास किया आदर्श ने और यही कारण महंगे साबित हुए। थोड़े से भटके और उसी का खामियाजा भुगता। नए बैट्समैन आए हैं तो आपको लाइन और लेंथ बिल्कुल सटीक होना चाहिए, ऐसी शुरुआत नहीं देनी चाहिए क्योंकि पहला रन बहुत ही मुश्किल होता है। आप सेट नहीं होते, आपको आंखें जमानी होती है। अजय शर्मा का एक बहुत बड़ा विकेट मिला था आदर्श को, ये उनका पहले ही ओवर है पर निपी नजर आते हैं। गेंद टप्पा खाने के बाद स्किट कर रही है, उनको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिबांग विकेट विकेट करेंगे, लाभ मिल सकता है इस अंदाज में। अच्छी वापसी यहां पर, लंबे कद के है, अतिरिक्त उछाल भी मिलता है उन और जस्ट स्टंप टू स्टंप अगर डाले, विकेटों पर निशाना साधना है। एक बार देख लेते किस तरह से शर्मा आउट हुए थे और बहुत ही आसानी से कैच पकड़ा, इस बार नहीं टपकाया। या नंद किशोर थे फील्डर, डीप कवर में नजरें जमा के रखी गेंद के ऊपर, एक अच्छा कैच। लाइट्स में कभी भी आसान रहता नहीं। क्या लगता है दिबंग की यहां से इतना स्कोर बना पाएगी भोजपुरी दिबंग की टीम? कम से कम 170 तक तो पहुंचना चाहिए और 5 ओवर बचे हैं, लेकिन
अकलमंदी के साथ पेश आना होगा। असगर रशीद खान नए बल्लेबाज, ऐसे बल्लेबाजी करने से काम नहीं बनेगा। 15 ओवर की समाप्ति के बाद 128 पर 5।